हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इस सरकार को भी जानते हो जो हरियाणा में है, एचएसएससी बोर्ड को भी जानते हो। कैसा बोर्ड है? बहुत ही अच्छा बोर्ड है। इनाम मिलने वाला इन दोनों को भर्तियों में, जो इन्होंने भर्ती की है बहुत ही अच्छे तरीके से की है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से भर्ती भी हुई थी। क्लर्क भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले 15 पर केस, 2 से 5 लाख रुपये दूसरों से दिलाई थी परीक्षा। हरियाणा में क्लर्क भर्ती 2019 में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। 2 से 5 लाख रुपये देकर दूसरों से परीक्षा दिलाने के आरोपी 15 अभ्यर्थियों के खिलाफ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मुकदमा दर्ज कराया है। एसएससी के चेयरमैन की शिकायत पर पंचकूला सेक्टर 5 थाने में खुशीराम, मोनू, सांगवान, राहुल, विशाल, प्रदीप, दिनेश, सोनू, राकेश, सत्यवान, रामवीर, दीपक, प्रदीप, रवि, मनदीप और सचिन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस अब फर्जीवाड़ा करने वाले जो आरोपी हैं अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी करेगी। इसके बाद लाखों रुपए लेकर परीक्षा देने वाले को काबू किया जाएगा। जांच के बाद फर्जीवाड़े के नेटवर्क का खुलासा होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यह मामला है कि 4738 कदर के पद भर्ती हुई थी। विज्ञापन निकाला था, लिखित परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद 8 सितंबर 2020 को नियुक्तियाँ दी गई। कुछ अभ्यर्थी 3 सवालों के लेकर हाईकोर्ट पहुँच गए थे। हाईकोर्ट ने संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद आयोग ने दोबारा से भर्ती के दस्तावेज जांच का शेड्यूल जारी किया था और बायोमेट्रिक कराई। 24,097 में से 900 के करीब भर्ती गैर हाजिर रहे जो पहले से ही चयनित थे। इस दौरान 15 अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी का मिलान नहीं हो पाया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा सब सामने निकल कर आ रहा है और लगातार दोस्तों हर एक भर्ती की पोल खोली जा रही है। तो क्या साबित करें, क्या साबित होगा इसे? ये सरकार, ये एचएसएससी बोर्ड, इनका कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों। सब सिस्टम फेल हैं। ऐसे ही भर्तियां हो रही हैं पैसे देकर, और ये बोल रहे थे कि हमारी साफ सुथरी सरकार है, इसमें कोई पैसा नहीं चलता, वो नहीं, खर्ची पर्ची नहीं चलती। तो आप देख सकते हैं खबरें। धन्यवाद। जय जवाहर।